डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मानवेंद्र प्रताप सिंह, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू इन योर इंग्लिश क्लास। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम लोग एन इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले बच्चों दो वीडियो में पैराग्राफ 11 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें से पहले वीडियो में पैराग्राफ 6 तक कवर किया गया, दूसरे में फिर 7 से अपना 11 तक कवर किया गया। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा पैराग्राफ 1 से लेकर 11 तक, जैसा कि हम चलते हैं थोड़ा सा विश्लेषण कर देते हैं कि जैसा हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि एडिशन अपने आप में थोड़ा सा काफ़ी क्यूरियस टाइप का बच्चा था, काफ़ी उत्सुक, काफ़ी प्रश्न पूछने वाला, काफ़ी सब कुछ जानने वाला। तो ये सब कुछ उसके जीवन के छोटे प्रारंभिक जीवन की विशेषताएँ थी, जहाँ पर से क्लास टीचर्स को लगा कि ये लड़का कहीं ना कहीं बेवकूफ़ या शरारत कर रहा है, और इस वास्ते उसे स्कूल से भी निकाला गया। लेकिन उसके माता पिता ने उसकी अच्छी मदद की, और उनकी मदद और उनके मार्गदर्शन से उसने खूब अच्छी तरक्की भी की, बुक्स भी पढ़ाई करता था, बुक्स पढ़ने में अच्छी खासी रुचि थी। पिताजी उसे हर बुक पढ़ने पर 25 सेंट दिया करते थे, और इस तरह से उसने काफ़ी बुकों का अध्ययन किया। उसने कुछ छोटी मोटी हरकतें भी की, जैसा कि चिड़िया क्यों नहीं उड़ती, इस वास्ते में जानने के लिए उसे एक बार देखा कि वो कीड़े मकोड़े खा रही है, नौकरानी के लड़के को कीड़े मकोड़े खिला दिया, अंडे लेकर के आया पोल्ट्री फार्म से, उसके ऊपर बैठ गया। तो ये छोटे मोटे उसके बचपन के जो नादानी भरे प्रयोग होते थे, जहाँ पास वो सीखने को बहुत कुछ सीखता था, लेकिन कहीं वो सही नहीं रहा करता था। जब उसे इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो जो सोचता है कहीं ना कहीं उसके आइडियाज़ गलत हैं, उसे कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा अभी और पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा समाज के बारे में जानना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, और जिससे उसका ज्ञान थोड़ा सा और बढ़े तो वो चीज़ों को सही रिस्पॉन्ड कर सके। इसलिए उसको आवश्यकता पड़ी कि भाई हम अदर दूसरी किताबें खरीदेंगे, और किताबों को पढ़ने की आवश्यकता, लेबोरेटरी में और भी इक्विपमेंट्स को लाने की आवश्यकता, या बाहर निकल करके दुनिया देखने की जो आवश्यकता या उत्सुकता, ये सब जागृत हुई। तो उसको मन में कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि सब कुछ जो है वो बिना पैसे के नहीं हो सकता। तो उसने कोई ना कोई नौकरी करने की ठानी, और उसने रेलवे में नौकरी करने के बारे में सोचा। पिताजी से बातचीत किया, पहले तो पिताजी ने अनुमति नहीं दी, क्योंकि उसकी उम्र बहुत छोटी थी, उस समय वो 12 वर्ष का था। उसी समय से ही उसे सब कुछ महसूस होने लगा। तो फिर उसने अपने पिताजी को बताया कि वो किस वास्ते सब कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पिताजी को फिर सहमति देनी पड़ी, भाई गुड रीजंस हैं, अच्छे कारण हैं। तो पिताजी ने सहमति दे दी, न्यूज़पेपर्स बेचे, मिठाइयाँ बेची, पहले दिन की कमाई $2 कमाया। शाम को आया, माताजी से कहा $1 देते हुए कि मैं तुम्हें हमेशा अपनी कमाई से $1 दूंगा, और वो अपने उस वायदे को भी रखा। तो ये सब कुछ हम लोगों ने जाना समझा। अब चलते हैं हम लोग पैराग्राफ 12 को डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा उसके जीवनी के बारे में, उसके तौर तरीकों के बारे में, उसने क्या क्या क्रियाकलाप किए, हम लोग थोड़ा सा अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। तो अ ईयर आर टू लेटर, एक या दो वर्ष बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। एडिसन ने खुद के समाचार पत्र को प्रकाशित करने के बारे में निर्णय लिया या सोचा। ही ब्राट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक ब्रिंग बच्चों सेकंड फार्म ब्राट यानी लाना, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस लाया, बॉट है बच्चों, बॉट खरीदा। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदी, एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसे अपने रेलवे की बोगी में स्थापित कर दिया। ही डिसाइडेड एंड एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, वो खुद से अपने पेपर को एडिट करता और प्रिंट भी करता। सोल्ड नंबर ऑफ कापीज, कई प्रतियाँ बेची, एंड मेड मोर मनी, और उसने काफ़ी पैसे भी जुटाए। विद द मनी ही गॉट, और वो पैसा जो कुछ भी उसने पाया, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला भी स्थापित कर दी इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलवे की बोगी में। फिर सच्चो देखते हैं, से ईयर आर टू लेटर, एक या दो वर्ष बाद, यानी एक या दो वर्ष इस तरह से पेपर वेपर बेचता रहा, पैसे इकट्ठा करता रहा, वहाँ फ्रूट्स बेचता रहा, स्वीट्स बेचता रहा, इस तरह बेच बेच कर पैसे इकट्ठा किया। और जब उसके पास पैसे थोड़े से हो गए, तो उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया। तो वही चीज़ है, आई आर आर टू लेटर, एक या दो वर्ष बाद, एडिसन डिसाइडेड, एडिसन ने निर्णय लिया टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, यानी खुद का समाचार पत्र प्रकाशित करने का। ही ब्रॉट एन बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस भी खरीदी, एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसे अपने रेलवे की बोगी में स्थापित कर दिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, वो अपने खुद के पेपर को एडिट करता और प्रिंट भी करता। सोल्ड नंबर ऑफ कापीज, उसने ढेर सारी प्रतियाँ भी बेची, एंड मेड मोर मनी, और इस तरह से उसने काफ़ी पैसा भी इकट्ठा किया। विद द मनी ही गॉट, वो पैसा जो उसने पाया, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, उसने अपने रेलवे की बोगी में ही क्या सेटअप कर दिया, लेबोरेटरी यानी अपनी प्रयोगशाला को भी स्थापित कर दिया।
क्योंकि वो वहाँ पर रहेगा, जो समय निकलेगा वो कुछ ना कुछ प्रयोग करता रहेगा। इसलिए उसने वैगन में ही अपनी बोगी में, जैसे बोगी इशू थी, उसमें ही उसने क्या कर दिया, प्रयोगशाला भी स्थापित कर दिया। व्हेन ही वॉज 15, जब वो 15 वर्ष का हुआ, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक घटना घटी दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जिससे उसका जो करियर था, उसका जो जीवन था, उसका जो भविष्य था, वो क्या हुआ, उससे प्रभावित हुआ। बच्चों, कहीं ना कहीं जब इंसान चल रहा होता है अपने सफलता की ओर, बढ़ रहा होता है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके जीवन में घटती हैं। अगर इंसान डगमगा जाता है, तो कुछ इंसान होते हैं जो डगमगा जाते हैं और वहीं पर से वो लौट आते हैं, लेकिन कुछ होते हैं उस घटनाओं का या उसके साथ जो हादसे होते हैं उसको वो सामना करता है, और सामना करने के बाद फिर कहीं ना कहीं एक संभव रास्ता निकलता है और अपने मंजिल की ओर फिर से निकल पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं, वो हारा या अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ा। भाई, मंजिल की ओर आगे बढ़ेगा तभी तो इतना बड़ा नाम बनाया उसने। तो कहीं ना कहीं उसके साथ जो घटना घटी, वो क्या घटना घटी, उसके बारे में समझते हैं और किस तरह से उस समस्या को उसने फेस किया, और फेस करने के बाद किस तरह से उसने अपना इस कीर्तिमान को स्थापित किया, पूरे संसार में अपना नाम कैसे बनाया। व्हेन ही वॉज 15, जब वो 15 वर्ष का हुआ, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक घटना घटी दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जिससे उसका क्या हुआ, भविष्य यानी करियर जो था वो काफ़ी प्रभावित हुआ। व्हाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब वो अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था इन हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में, द ट्रेन राउंड अ कॉर्नर, ट्रेन क्या हुई, एक कोने से मुड़ी। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड यूज हुआ व्हाइल, तो ग्रामर दृष्टिकोण से चलते थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है कि जब कोई एक कार्य चल रहा हो और वो कार्य पूरी तरह से समाप्त ना हो पाए, और तभी दूसरी घटना घट जाए या दूसरा कार्य शुरू हो जाए, तो फिर वहाँ पर उस घटना को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग व्हाइल वर्ड का यूज़ करते हैं। और अगर व्हाइल के बाद वर्ब आती है तो वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म में आती है, आईएनजी फॉर्म में। जैसे हमने कहा कि पढ़ते पढ़ते वह सो गया, तो व्हाइल का मतलब यहाँ पर जब का सेंस होता है। पहले सेंटेंस को हम सिंपल में बनाते हैं, यानी जब वह पढ़ रहा था तभी उसको नींद लग गई, पढ़ाई समाप्त नहीं हो पाई, तभी उसी बीच में वो सो गया, यानी पढ़ते पढ़ते वह सो गया। तो जब डबल टाइम वर्ब रिपीट कर रहा होता है तब भी व्हाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वहाँ पर ये घटना रिप्रेजेंट कर रही होती है कि वो एक काम समाप्त नहीं कर पाया था तभी वो सो गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पढ़ते पढ़ते वह सो गया, जिसका मतलब हुआ व्हाइल रीडिंग ही स्लेप्ट, व्हाइल रीडिंग ही स्लेप्ट, नाचते नाचते वह बेहोश हो गई, व्हाइल डांसिंग शी फेंटेड, व्हाइल डांसिंग शी फेंटेड। इस तरह से हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इस तरह से इस घटना को कहें, जब मैंने अपना ग्रह कार्य समाप्त कर लिया मैं सोने चला गया, तो यहाँ पर क्या होगा, भाई ग्रह कार्य समाप्त हुआ उसके बाद मैं सोने गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन आई फिनिश्ड माय होमवर्क आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने के लिए चला गया। तो कहने का मतलब जब एक घटना पूरी तरह समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरी घटना घटे तो वहाँ पर व्हेन लगाते हैं, और जब एक घटना चल रही हो तभी दूसरी घटना घट जाए तो वहाँ पर व्हाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ उस चीज़ को आगे प्रोसीड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो प्रयोग कर रहा था, उसी प्रयोग के दौरान ही उसके साथ क्या हुआ कि ट्रेन जो थी वो एक कोने से मुड़ गई। देर वॉज अ सडन जॉल्ट, जॉल्ट का मतलब झटका, सडन मतलब अचानक से एक झटका लगा, एंड अ बिट ऑफ फास्फोरस, और चुटकी भर फास्फोरस यानी थोड़ा सा फास्फोरस, फेल ऑन द फ्लोर, कहाँ पर गिर गया, फर्श में गिर गया, ऑफ हिज कैरिज यानी उसके उस बोगी में, एंड इट कॉट फायर, और इससे आग लग गई। जैसे कि बच्चों फास्फोरस के बारे में आपको पता ही होगा, बच्चों फास्फोरस जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो आग में बदल जाती है। फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, और आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में 20% ऑक्सीजन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन को पाया, और ऑक्सीजन को पा करके फास्फोरस से आग निकल गई, और आग निकलने के बाद फिर कहीं ना कहीं आग पकड़ लिया होगा। तो फास्फोरस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देयर वाज अ सडन जॉल्ट एंड बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, यानी एक हल्का सा झटका लगा और चुटकी भर फास्फोरस क्या हुआ, फर्श पर गिर गया, ऑफ हिज कैरेज उसके उस बोगी में, एंड इट कॉट फायर, और इससे क्या लग गया, आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, पुट आउट मतलब बच्चों बुझाना, पुट आउट मतलब बुझाना, यानी इससे पहले कि वो इसे बुझा पाता, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, समाचार पत्रों में आग लग गई। तो बच्चों आइए फिर से इस पर अगर आप डिस्कस करते हैं। व्हेन ही वॉज 15, जब वो 15 वर्ष का हुआ, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक घटना घटी दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जिससे उसका कार्यकाल जो था वो क्या हुआ, प्रभावित हुआ। व्हाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब वह एक प्रयोग कर रहा था इन हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में, द ट्रेन राउंड अ कॉर्नर यानी टर्न राउंड अ कॉर्नर, यानी ट्रेन क्या हुई, एक कोने से मुड़ी, देयर वॉज अ सडन जॉल्ट, एक अचानक से झटका लगा,
एंड अ बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, और चुटकी भर फास्फोरस फर्श में गिर गया। ऑफ हिज कैरेज, उसके बोगी में। एंड इट कॉट फायर, और इससे क्या हो गया, आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वो उस आग को बुझा पाता। न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, समाचार पत्र में भी आग लग गई। द फायर स्प्रेड, आग फैल गया। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, गार्ड भी आया। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और साथ में मिलकर के दोनों उस आग को बुझा पाए। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन एडिसन की उस ट्रेन में सेवा का यह अंत था। इसके बाद उसे ट्रेन से निकाल दिया जाता है उसको, कि कहीं ना कहीं तुम घटना घटा सकते हो, आग लग सकती है, यात्रियों को दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए उसे क्या हुआ, वहाँ पर से रेलवे से निकाल दिया गया। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, उसे अगले ही स्टेशन से निकाल दिया गया। इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों तक एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, एडिसन ने अलग अलग शहरों में नौकरी की। ही मेड गुड यूज़ ऑफ हिज लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, उसने अपने लाइब्रेरी का अच्छा इस्तेमाल किया और फैक्ट्रियों के जो एक्सपर्ट्स होते थे या दुकानों के जो एक्सपर्ट्स होते थे उनसे मिलता, जो काफ़ी कुछ नॉलेज रखते थे, काफ़ी कुछ ज्ञान रखते थे, उनसे जा कर के मिला। ही आस्क देम क्वेश्चंस, वो उनसे प्रश्न पूछा। लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोग में काफ़ी मेहनत किया। फिर समझते हैं इस पर अगर आपको। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, यानी गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और साथ में मिलकर के वो आग को बुझा पाए। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन एडिसन का ट्रेन में सेवा का वो अंत था। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, उसे अगले ही स्टेशन से निकाल दिया गया। इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों तक एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, एडिसन अलग अलग शहरों में गया, वहाँ पर नौकरियाँ किया। ही मेड गुड यूज़ ऑफ हिज लाइब्रेरीज, उसने अपने लाइब्रेरीज का यानी पुस्तकालय का अच्छा प्रयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, और उसने क्या किया, फैक्ट्री और वर्कशॉप के एक्सपर्ट्स से मिला। ही आस्क देम क्वेश्चंस, वह उनसे प्रश्न पूछता। लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, उनसे काफ़ी कुछ सीखता। एंड वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों में काफ़ी परिश्रम करता और मेहनत करता। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस कार्यकाल के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, वो कुछ समय के नौकरी से बाहर भी रहा। एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और अपने एक मित्र के साथ ठहरा रहा। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, और उसका जो मित्र था वो वहाँ पर एक कंपनी में काम करता था, कर रहा था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उनके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, एक दिन वो मशीन अचानक से रुक गई। डिसन वॉज देयर एट द टाइम, उस समय डिसन वहाँ पर था। ही हैड टू का लुक एट द मशीन, उसने मशीन पर एक दृष्टि डाली। एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और बहुत ही थोड़े समय में उसे रिपेयर कर दिया, यानी उसे बना दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, तो उस कंपनी का मैनेजर ने एडिसन को काफ़ी पसंद किया। एंड गिव हिम अ गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी भी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन के ऊपर जो कर्ज लदे हुए थे वो सब उसने क्या किया, अदा किया। एंड इम्प्रूव्ड इन हिज लेबोरेटरी, और उसने अपने प्रयोगशाला में भी काफ़ी सुधार किया। या इन द लाइब्रेटरी, बट इज नहीं, यहाँ पर क्या होगा, इन द लाइब्रेटरी। एंड इम्प्रूव्ड इन द लाइब्रेटरी, और अपने प्रयोगशाला में काफ़ी सुधार किया। फिर सोचो इस पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस कार्यकाल के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब, वह नौकरी से बाहर रहा। फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और अपने एक मित्र के साथ ठहरा रहा। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, वह नवयुवक वहाँ पर एक कंपनी में कार्य कर रहा था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, एक दिन वह मशीन अचानक से रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, उस समय वहाँ पर एडिसन था। ही हैड टुक अ लुक एट द मशीन, उसने मशीन पर एक दृष्टि डाली। एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और बहुत ही थोड़े समय में इसे क्या कर दिया, बना दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक एडिसन, कंपनी का जो मैनेजर था उसने एडिसन को बहुत पसंद किया। एंड गिव हिम अ गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी भी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अपनी नौकरी को भी, अपने कर्ज को भी अदा कर दिया। एंड इम्प्रूव्ड इन द लाइब्रेटरी, और अपने प्रयोगशाला में काफ़ी सुधार किया। बच्चों यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। यहाँ पर ऑफ का मतलब बच्चों क्या होता है, सेपरेशन, यानी जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो। तो वहाँ पर से के अर्थ में
क्या करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। देखिए जो से के लिए हमारे पास तीन वर्ड होते हैं, ऑफ होता है, बाई होता है, फ्रॉम होता है। फ्रॉम का बच्चों प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी जगह से बिलोंग कर रहा है, या जब किसी जगह से की बात कर दी जाए तो वहाँ पर फ्रॉम। जैसे मैं मुंबई से हूँ, आई एम फ्रॉम मुंबई। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आई एम फ्रॉम यूपी। मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम कलकत्ता। या कभी फिक्स टाइम की बात कर दी जाए तो वहाँ पर भी फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा राम 10 से 5 इस कंपनी में कार्य करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम वर्क्स इन दिस कंपनी फ्रॉम 10 to 5। मैं कल से इस काम को करूँगा, आई विल डू दिस वर्क फ्रॉम टुमारो। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज़ कर देते हैं। और बाई का मतलब क्या होता है, से के अर्थ में जब कोई चीज़ किसी चीज़ के से किसी सोर्स से मिल रही हो, किसी स्रोत से मिल रही हो और वहाँ पर से वर्ड आया हो तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, बाई। जैसे हमने कहा मैंने ये राम से सुना, तो यहाँ पर क्या हुआ, से, तो आई हर्ड इट बाय राम। लेकिन जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो, जैसे उसने क्या किया, कर्ज मुक्त हुआ, यानी कर्ज से अलग हुआ, पैसे दिए कर्ज से उसको छुटकारा मिला, या जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो तो वहाँ पर क्या करते हैं, ऑफ का यूज। जैसे हमने कहा पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। हमने कहा टेबल से कप हटा दो, तो यहाँ पर क्या होगा, मूव द कप ऑफ द टेबल। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑफ वर्ड का यूज़ कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं बच्चों अगले पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। एक बार इस पैराग्राफ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आइए अगले पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 सालों में एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। एडिसन ने बहुत से खोज किए। वन इन्वेंशन फॉलोड इन अदर, एक खोज दूसरे को अनुसरण करता क्यूकली शीघ्रता से। एंड एडिसन अर्न्ड मोर फेम एंड मनी, इस तरह से एडिसन ने काफ़ी प्रसिद्धि और काफ़ी पैसा भी अर्जित किया। इन 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, वह एक मशीन में कार्य कर रहा था दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो क्या कर रहा था, इंसानी आवाज़ को फिर से उत्पादित कर रहा था, पुनः उत्पादित कर दे रहा था। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक ही एक्चुअली मेड वन, और उसने वास्तव में उस तरह का मशीन बना लिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, इस समय उसे टॉकिंग मशीन के नाम से जानते थे, बातचीत करने वाले यंत्र के नाम से जानते थे। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, जिसे आजकल हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामोफोन कहते हैं, या जो आजकल बच्चों काफ़ी संशोधित होकर के, या बच्चों उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो मोबाइल के रूप में हमको प्राप्त होता है, तो वही बच्चों उसने किसने खोजा, एडिसन ने। उसकी शुरुआत यानी उसकी जो न्यू डाली उसने किसने डाली, एडिसन ने। द सेम ईयर, उसी साल ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसे कहाँ बुलाया गया, वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस मतलब बच्चों कौन सा प्लेस, जहाँ पर बच्चों अमेरिकन प्रेसिडेंट रहा करते हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति के जो रहने का स्थान है, जहाँ पर सो क्रियाकलाप यानी कार्यभार को संभालते हैं, उसे बच्चों क्या कहते हैं, व्हाइट हाउस, यानी उसे सीधे राष्ट्रपति के यहाँ पर आमंत्रण किया गया। आइए बच्चों फिर से इस पर अगर आप डिस्कस करते हैं। इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 सालों तक एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। एडिसन ने ढेर सारे खोज किए। वन इन्वेंशंस फॉलोड इन अदर, एक खोज दूसरे का अनुसरण करती क्यूकली। एंड एडिसन अर्न्ड मोर फेम एंड मनी, और जल्द ही एडिसन ने खूब ढेर सारी प्रसिद्धि और ढेर सारा पैसा भी बनाया। इन 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो क्या कर रही थी, इंसानी आवाज़ को पुनः उत्पादित कर रही थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक ही एक्चुअली मेड वन, उसने वास्तव में उस तरह के एक मशीन को बना दिया। इट वॉज देन कॉल्ड टॉकिंग मशीन, उस समय उसे बातचीत करने वाले यंत्र के नाम से जानते थे। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, जिसे हम आजकल ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर, अगले साल तक ही वॉज इन, अगले साल उसी साल, द सेम ईयर यानी उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड, उसे आमंत्रण किया गया या उसे बुलाया गया, उसे आमंत्रित किया गया टू द व्हाइट हाउस, कहाँ पर, व्हाइट हाउस में, इन वॉशिंग